उसमें हर पन्ने पर झूठ ही झूठ है, हर पन्ने पर झूठ है। वैसे राष्ट्रपति जी अपने भाषण में कहते हैं, माननीय राउत साहब, भारत के मोदी जी की सरकार अल्पमत की सरकार है। कृपया आपस में बात नहीं करें, बैठ जाए। कृपया मोदी जी की सरकार अल्पमत की सरकार आपस में बात नहीं करें। मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, शुरू नहीं किया धन्यवाद क्या? तीन मिनट आपको, चार मिनट धन्यवाद क्या है? यही तो, इसीलिए तो हम बोलते हैं संविधान खतरे में है। श्री संजय राउत सर, जो नई लोकसभा गठित हुई है और नई सरकार का गठन हुआ है, आप बैठिए, उसके बाद तीन मिनट सर, महामहिम राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण हमने सुना। राष्ट्रपति जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई व्यक्ति है, तो संवैधानिक पद की जो मर्यादा होती है उनका पालन वहां से शुरू होता है और हम उनका आदर करते हैं। लेकिन ये हमने पहली बार देखा इस बार कि जब मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया तो सभी अखबार में एक फोटो प्रसिद्ध हुआ, एक पिक्चर पब्लिश हो गया कि राष्ट्रपति जी ने अपने हाथों से मोदी जी को दही और चीनी मिठाई खिलाई। कृपया महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यों के बारे में सदन में चर्चा नहीं करें, कृपया नहीं करें। दही चीनी खिलाई मैं उसको, अच्छी बात है, कृपया ये अंकित नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए ये चित्र विचलित करने वाला है। राष्ट्रपति जी एक ऐसे व्यक्ति है, वो किसी पार्टी की नहीं होती, राष्ट्रपति जी पूरे देश की है। राष्ट्रपति जी बीजेपी की है, राष्ट्रपति जी कांग्रेस पार्टी की है, शिवसेना की है, सबकी है, हमारी सबकी है। तो राष्ट्रपति जी ने, मुझे लगता है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को भी बुलाना चाहिए दही चीनी खिलाने। कृपया राष्ट्रपति जी के बारे में चर्चा नहीं करें, अंकित नहीं होगा। राष्ट्रपति जी देश की संविधान की संरक्षक है, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो भाषण है हमने सबने सुना, उस पर बोलिए, उसमें हर पन्ने पर झूठ ही झूठ है, हर पन्ने पर झूठ है। वैसे राष्ट्रपति जी अपने भाषण में कहते हैं, माननीय राउत साहब, भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है और गठबंधन की सरकार 6 दशक के बाद बनी है, ये गलत है। मोदी जी की सरकार अल्पमत की सरकार है। कृपया आपस में बात नहीं करें, बैठ जाए। कृपया मोदी जी की सरकार अल्पमत की सरकार है। आपस में बात नहीं करें। मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मुक्त किया है। मोदी जी कांग्रेस मुक्त, बैठ जाए, कांग्रेस मुक्त संसद और भारत की भाषा कर रहे थे, लेकिन देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को बहुमत मुक्त किया है। कृपया समाप्त करें, धन्यवाद। 400 पार शुरू नहीं किया धन्यवाद क्या? 3 मिनट आपको, 4 मिनट धन्यवाद क्या है? यही तो, इसीलिए तो हम बोलते हैं संविधान खतरे में है। ये सीनियर मेंबर है तो सागर में सागर भर सकते हैं। आप 240 पर अटक गए, 240 में से 50 सीटें तो आपने चोरी की है। आपको बहुमत नहीं मिला है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, बिहार में। समाप्त करें, माननीय सदस्य, ऐसी है समाप्त, बहुत ही कम मार्जिन से आप जीते हैं, वो आपने चोरी की है। आप कोर्ट में मामला जाएगा। श्री मदन राठौर,